हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ। ये पैटर्न हमारा बनेगा, इसके लिए आपको चार मल्टीपल के फंदे लेने होंगे, फोर फोर के। तो इस तरह से हम इसमें लेंगे चार फंदे, फिर दो दो चार, चार फंदे, फिर से दो दो चार, चार फंदे, और एक फंदे लास्ट में यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने चार मल्टीपल के फंदे ले लिए हैं, फोर फोर प्लस। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट रो राइट साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। दो सिलाइयों का पैटर्न है और ये हमारा, अब यहाँ पे हम फर्स्ट रो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी सा पैटर्न है, बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। आप इसे मल्टी कलर में बना सकते हैं, बच्चे कुछ ऊन से आप इसमें जितने भी कलर आपके पास हैं सारे अप्लाई कर सकते हैं। दो दो सिलाइयों पर आप इसको यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रो राइट साइड से बनाएंगे और इसमें हम ऐड करेंगे दो और कलर, तो तीन कलर में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं बनाना। फर्स्ट रो अभी अभी हम इसी कलर से बनाएंगे पैटर्न, तो एक फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब ये जो तीन फंदे दिख रहे हैं आपको ना, तीनों फंदों को बैक लुक से इस तरह से ऐसे बैक लुक से तीन फंदे से तीन फंदा बनाएंगे। तो ऐसे एक बार हमने इस तरह से एक फंदा बना लिया है, देखिए इसको लूज ही रखेंगे इस तरह से। अब सिलाई पे धागा लपेटेंगे, फिर अगला ऐसे एक बार फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पे तीन फंदों से हमारा तीन फंदा ही बनेगा। ये देखिए एक फंदा हमने स्लिप किया था और ये हमारा तीन फंदे से तीन फंदा बना है। अब फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसे एक फंदा सीधा, फिर ऐसे लेंगे बैक लुक से तीन फंदे का तीन फंदा बनाएंगे। ऐसे यहाँ पे बैक लुक से ऐसे, यहाँ पे बैक लुक से ऐसे लेंगे, फिर सिलाई पे धागा लपेटेंगे, फिर यहाँ पे हम बैक लुक से बनाएंगे। ऐसे तीन फंदों से हमें तीन फंदा ही बनाना है। ये देखिए अब यहाँ पे एक फंदा फिर से हम सीधा बनाएंगे इस तरह से, फिर वही करेंगे तीन फंदे से तीन फंदा बैक लुक से। ऐसे तीन फंदों को लेंगे ऐसे और एक फंदा सीधा, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ सिलाई पे धागा लपेटेंगे, फिर दूसरा फंदा जब बनाएंगे तो वो भी ऐसे सीधा तीन फंदों से। तो ये हमारा तीन फंदे से तीन फंदा ही बनाए, देखिए ना। अब फिर से एक फंदा सीधा, बस फर्स्ट रो में हमें यही बार बार रिपीट करना है। एक फंदा सीधा और तीन फंदों से हम तीन फंदा ही बनाएंगे। ऐसे एक फंदा सिलाई पे धागा लपेटेंगे, फिर से एक फंदा यहाँ पे ऐसे, एक फंदा सीधा, तो एक फंदा फिर से यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे इस तरह से, देखिए ऐसे सीधा। अब यहाँ पे फिर वही तीन फंदों को बैक लुक से ऐसे, तीन फंदा लिया ना, अब यहाँ पे हम बैक लुक से तीन फंदों से तीन फंदा ही बनाएंगे। लास्ट में भी तीन फंदों से तीन फंदा ऐसे बना लेंगे, सिलाई पे धागा लपेटेंगे, फिर से हम बैक लुक से ऐसे करेंगे तीन फंदा। अब यहाँ पे बैक लुक से ना एक फंदा स्टिच को हम ऐसे सीधा बना लेंगे, देखिए तीन फंदे से तीन फंदा बनाया, एक फंदा सीधा। अब रॉन्ग साइड से बहुत ही आसान सा है बनाना, बस दो सिलाइयों का पैटर्न है। रॉन्ग साइड से हम ऐसे सारे फंदे उल्टा पर्ल वाइज स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। सारे फंदे ऐसे ही रिपीट करेंगे उल्टा उल्टा, देखिए इस तरह से ऐसे उल्टा बनाएंगे सारे फंदे। जो हमने तीन फंदों से तीन फंदा बनाया है ना, उसको भी ऐसे सारे उल्टा उल्टा रिपीट करते चले जाएंगे। ये देखिए राउंड साइड से हमने दूसरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। पैटर्न हमारा कितना खूबसूरत सा तीन तीन फंदों में बना है ना, ये देखिए। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर अपना ऐड करेंगे जो हमारा पिंक कलर है। तो यहाँ पे अब हम दूसरा कलर ऐड करते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से दूसरा कलर अब हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ ऐसे एक फंदा हम सीधा स्टिच करेंगे, जो हमारी हमारा जो फर्स्ट फंदा है ना, इसको हम सीधा ऐसे यहाँ पे अटैच कर लेंगे दूसरा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो फंदे जो स्टार्टिंग के हैं ना, इनको हम ऐसे सीधा बना लेंगे, एक यहाँ पे हम तीन फंदा, एक हमारा स्लिप किया हुआ है और दो फंदा हमने तीन फंदों से दो फंदा सीधा बनाया। अब एक फंदा बीच में जो सीधा था और एक इस तीन फंदों के पैटर्न से और एक इस तीन फंदों के पैटर्न से, अब इन तीनों फंदों को लेके ना यहाँ पे पैटर्न हमें चेंज कर देना है। तो बैक लुक से ऐसे फिर से वही रिपीट करेंगे, ऐसे एक फंदा निकालेंगे,
तीन फंदे से हमें तीन फंदा ही बनाना है और इसको लूज रखना है। अब सिलाई पे धागा लपेटेंगे और फिर से तीन फंदों से हम ऐसे एक फंदा फिर से बना लेंगे। देखिए ये तीन फंदों से हमारा तीन फंदा ही बना है। अब यहाँ पे एक फंदा फिर से सीधा बनाएंगे। अब यहाँ फिर वही करेंगे, इस तीन फंदों को लेकर ऐसे बैग लुक से और फिर से तीन फंदों से तीन फंदा ही बनाएंगे। इस तरह से एक फंदा सीधा निकाला, फिर यहाँ पे सिलाई पे धागा लपेटेंगे और फिर से ऐसे बैग लुक से एक फंदा ऐसे सीधा बना लेंगे। इस तरह से सारे फंदों को हमें लूज ही रखना है। अब एक फंदा फिर से हम ऐसे सीधा बनाएंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे फिर वही करेंगे, तीन फंदों से तीन फंदा बनाएंगे, बैक लुक से ऐसे एक फंदा बनाया। अब यहाँ पे सिलाई पे धागा लपेटेंगे, बैक लुक से फिर से एक बार हम सीधा बनाएंगे इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा, फिर से यहाँ तीन फंदों से हम ऐसे बैक लुक से तीन फंदों से ऐसे फिर से तीन फंदा बनाएंगे, एक हमने सीधा बनाया। अब सिलाई पे धागा लपेटेंगे और तीन फंदों से ऐसे बैग लुक से फिर से एक बार सीधा बनाएंगे। अब लास्ट में तीन फंदे हमारे सीधे बने हैं ना, स्टार्टिंग में भी बचे थे, तीन फंदा सीधा बनाया है और लास्ट में भी ऐसे ही बनाएंगे। देखिए एक फंदा और बनाएंगे। अब ये देखिए इस तरह से बनेगा, पैटर्न हमारा यहाँ चेंज हो गया है। अब जब रॉन्ग साइड से फोर रो बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। एक फंदा स्लिप करेंगे। अब सारे फंदे फोर रो में भी पर्ल वाइज स्टिच कर लेना है, सारे फंदे एक एक फंदे करके हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर किया करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। अब सारे फंदे हम पर्ल वाइज उल्टा बुनकर ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। पैटर्न हमारा बहुत ही प्यारा बनेगा, आप इसे लेडीज जैकेट, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर में किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनेगा। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसको बहुत ही इजीली आसानी से बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए पैटर्न कितना खूबसूरत बनकर दिख रहा है ना, ये देखिए। बस पैटर्न हमारा ऐसे ही रिपीट होता जाएगा तीन तीन फंदों में। अब यहाँ पे फ्रेंड्स फिर हम यही कलर अपना ऐड करेंगे। आप ये कलर ऐड कर सकते हैं या मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, कई सारे कलर ऐड कर सकते हैं, जो आप अच्छा लगे आपको वो आप कर सकते हैं। इसमें बस आपको दो सिलाइयों पे कलर चेंज कर देना है। अब यहाँ पे फिर से वही कलर हम लगाएंगे, तो एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे। एक फंदा हमने सीधा बनाया, अब वही फर्स्ट रो की तरह फिर से रिपीट होगा। अगला तीन फंदा ऐसे लेंगे बैक लुक से इस तरह से ऐसे, और तीन फंदों में तीन फंदा बनाएंगे ऐसे, एक बार यहाँ पे एक बार ऐसे सीधा बनाएंगे ऐसे, सिलाई पे धागा लपेटेंगे, फिर से वहीं से हमें एक बार सीधा बना लेना है। इस तरह से देखिए ऐसे तीन फंदे से तीन फंदा हमने बनाया ना, अब एक फंदा फिर सीधा बनाएंगे, फिर से वही तीन फंदों से तीन फंदा ऐसे बैक लुक से बनाएंगे, ये इस तरह से तीन फंदों का तीन फंदा ही बनाएंगे। सिलाई पे धागा लपेटेंगे, फिर अगला ऐसे तीन फंदों से तीन फंदा बन जाएगा, ये देखिए। फिर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पे बैक लुक से तीन फंदों से तीन फंदा बनाएंगे ऐसे, ये देखिए एक बनाया ना। अब सिलाई पे धागा लपेटेंगे, अब फिर से हम एक बार सीधा बनाएंगे तीन फंदों से तीन फंदा, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से बैक लुक से ऐसे तीन फंदों का तीन फंदा ही बनेगा, ये इस तरह से सिलाई पे धागा लपेटेंगे और ऐसे तीन फंदों से हम तीन फंदा बना लेंगे। अब एक फंदा सीधा, फिर से लास्ट में भी वही रिपीट करेंगे, तीन फंदों से तीन फंदा बनेगा, स्टिच को हम सीधा बनाएंगे ऐसे सीधा बना लेंगे, एक फंदा सीधा। अब रॉन्ग साइड से सारे फंदे हम उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे ऐसे, सारे फंदे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये बिल्कुल हमारा सेकेंड रो की तरह बना है रॉन्ग साइड से, और फर्स्ट रो राइट साइड से अभी मैंने जो रिपीट किया है वो फर्स्ट रो की तरह बना है।
अब यहाँ पे अगला एक कलर मैं आपको और ऐड करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बनाऊंगी वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं बनाना है, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे जब हम दूसरा कलर ऐड करेंगे ना, ऐसे एक बार सीधा बनाएंगे, इस तरह से एक फंदा सीधा बना लिया। अब दो फंदा हम सीधा बनाएंगे क्योंकि ये हमारा थर्ड रो की तरह बनेगा, तो यहाँ पे एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, दो फंदे स्टिच को छोड़कर ऐसे दो फंदे हम सीधा बनाएंगे, दो फंदा सीधा, ये देखिए एक फंदा स्लिप किया था, दो फंदा सीधा। अब यहाँ पे इन तीनों फंदों में हमें पैटर्न बनाना है, तो इस तरह से आप फ्रंट लुक से भी ले सकते हैं, ऐसे इस तरह भी बना सकते हैं। एक फंदा हमने सीधा बनाया, सिलाई पे धागा लपेटेंगे, फिर से एक फंदा ऐसे फ्रंट लुक से लेकर सीधा बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से एक फंदा सीधा, फिर यहाँ तीन फंदों को ऐसे फ्रंट लुक से ऐसे लेंगे और तीनों फंदों को सीधा बना लेंगे, एक बार ऐसे सिलाई पे धागा लपेटेंगे फिर सीधा बना लेंगे, ये देखिए। आप इस तरह से भी रिपीट कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे ना उस तरह से आप बना सकते हैं, जितने कलर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह से आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।